पिछले 10-12 दिनों में शिवसेना की ओर से आए हैं, उनके नेताओं ने दिए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे बयानों के बाद मुझे लगता नहीं है कि हमारे साथ वो रिश्ता रखना चाहते हैं। इस प्रकार के बयान शिवसेना के माध्यम से लगातार आए हैं। जहाँ दोस्तों देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा देते वक्त एक बड़ा यहाँ पर चौंकाने वाला बयान भी जारी किया है। जहाँ दोस्तों कांग्रेस और एनसीपी कहीं न कहीं अब शिवसेना के साथ सरकार तो बनाएंगी, लेकिन कुछ शर्तों पर सरकार बनाएंगी, ऐसी कुछ बड़ी खबरें यहाँ पर सूत्रों से निकल कर आ रही है। जहाँ दोस्तों देवेंद्र फडणवीस ने आज यहाँ पर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा, लेकिन इसके बाद एक कॉन्फ्रेंस की और कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर शिवसेना को एक बड़ा झटका यहाँ पर दिया है। आज जिस प्रकार से यहाँ पर संजय राउत हो या यहाँ पर शिवसेना के जो नेता हैं, उन्होंने यहाँ पर बयानबाजी की है, उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान किया है। आने वाले समय में हो सकता है कि गठबंधन टूट जाए। जहाँ दोस्तों उन्होंने साफ किया है कि जो बयानबाजी यहाँ पर शिवसेना की तरफ से की गई है, उसके बाद ये गठबंधन आगे बढ़ना और सरकार चलना काफी असंभव सा हो जाता है। ऐसी कई बड़ी बातें यहाँ पर जो है देवेंद्र फडणवीस ने रखी। संजय राउत का बयान अब भी कि हम सरकार बना लेंगे और हमारे पास बहुमत है, तो आखिरकार संजय राउत कैसे बनाएंगे सरकार, क्योंकि शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की मदद के बिना सरकार नहीं बना सकती है। और आपको पता होगा सत्ता में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो यहाँ पर एनसीपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से क्या बड़ी मांग यहाँ पर होगी, तभी जाकर वो शिवसेना के साथ हाथ मिलाएंगे। एनसीपी कांग्रेस सोचकर चल रही है, अगर हाथ मिलाएंगे तो किस शर्त पर यहाँ पर हाथ मिलाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल अब महाराष्ट्र के अंदर बन चुका है, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी में अब जो दरार है वो लगभग काफी चौड़ी होती जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर महाराष्ट्र में अब विकल्प क्या बचते हैं, तो तीन विकल्प महाराष्ट्र के लिए निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला विकल्प, क्योंकि बीजेपी शिवसेना के साथ सरकार बनाने को बिल्कुल अब राजी नहीं है, और यहाँ पर जिस प्रकार से साफ तौर पर यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जो भी यहाँ पर तय नहीं हुआ था वो शिवसेना हमसे मांग रही है, ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ था, लेकिन शिवसेना की तरफ से बयान है कि हम 50 के फॉर्मूले पर ही सरकार बनाएंगे। तो पहला जो विकल्प है राष्ट्रपति शासन लग जाता है, आगे फिर यहाँ पर आने वाले समय में जो है महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव होंगे, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी चाहती है। अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस एनसीपी को भी फायदा हो सकता है, या हो सकता है कि बीजेपी यहाँ पर अपना ही यहाँ पर बहुमत प्राप्त कर ले, कुछ भी हो सकता है आने वाले समय के लिए। तो यहाँ पर साफ तौर पर कि एनसीपी कांग्रेस मिलकर सरकार बनाए, जो हो सकता है जो अभी जो खबरें हैं उसके अनुसार शिवसेना के अपने 56 और एनसीपी के 54 और कांग्रेस के 44, लेकिन इसके लिए शर्त रखेगी यहाँ पर कांग्रेस एनसीपी, भले ही शिवसेना की तरफ से यहाँ पर सीएम आदित्य ठाकरे हों या एक नाथ शिंदे हों, तो यहाँ से बहुमत प्राप्त कर लेती है। तो तीसरा जो बड़ा विकल्प है वो कहीं ना कहीं पूर्ण होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से आज देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद कहीं ना कहीं शिवसेना में काफी बड़ी फूट यहाँ पर दिखाई दे रही है, और यहाँ पर बीजेपी अब शिवसेना के साथ सरकार बनाती नजर नहीं आ रही है। और यहाँ पर अगर बात करें तो बीजेपी अपने 105 और शिवसेना की 56 कुल मिलाकर 161 सरकार बनती है, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि समय काफी निकल चुका है। तो आने वाले समय में कैसे महाराष्ट्र में सरकार बनेगी, क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्या दोस्त जो है वो दुश्मन बन चुके हैं, ये एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र के अंदर बन चुका है। तो आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र के अंदर आदित्य ठाकरे ही होंगे महाराष्ट्र के नए सीएम, क्योंकि अगर बात करें तो मातोश्री के सामने आदित्य ठाकरे के एक बार फिर से पूछताछ लग चुके हैं, वो ही सीएम बनेंगे शिवसेना की तरफ से। अब कैसे सीएम बनेंगे ये अब एक बड़ा सवाल है। अगर कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बन जाती है तो फिर यहाँ पर क्या शर्त पर यहाँ पर सरकार बनेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र के अंदर आदित्य ठाकरे ही होंगे यहाँ पर सीएम, या बीजेपी की तरफ से सीएम होंगे, या कैसे बनेगी महाराष्ट्र में सरकार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।